नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, दुनिया में आपको हर तरह के इंसान मिल जाएंगे। कोई इंसान अपने नेक काम की वजह से लोगों की तारीफ बटोरता है तो कई लोग अपने बुरे कामों की वजह से जाने जाते हैं। आप लोगों ने ऐसे बहुत सी खबरें सुनी होंगी जिसमें जब किसी महिला का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कि घर में रहना भी विधवा महिला के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। परंतु आज हम आपको मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक परिवार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इस परिवार की तारीफ प्रदेश के चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें कि झोंतेश्वर मवई गांव के डिप्टी रेंजर पद से रिटायर हुए रवि शंकर सोनी के बेटे संजय सोनी की एक महीने पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से घर में बहू और दो बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ गया था। संजय सोनी की मृत्यु के पश्चात पूरे परिवार में मातम का माहौल बना हुआ था। सभी लोग बेहद दुखी थे। खास तौर से संजय सोनी की पत्नी पर क्या बीत रही होगी, यह शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। रवि शंकर सोनी के बेटे संजय सोनी की मृत्यु के बाद बहू का रो रो कर बुरा हाल था। पति के जाने की वजह से वह पूरी तरह से टूट गई थी। रवि शंकर सोनी का ऐसा बताना है कि उनके बेटे संजय का विवाह 2008 में करेली की रहने वाली सरिता से हुई थी, जिनकी दो बेटियां हैं। एक बेटी की उम्र 11 वर्ष और दूसरी बेटी की उम्र 9 वर्ष है। 25 सितंबर को बेटे संजय की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसी बीच रवि शंकर ने एक बड़ा ही साहसिक कदम उठाया। जी हाँ, रवि शंकर ने अपनी बहू का दूसरा विवाह कराने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि गुरुवार के दिन परिवार ने अपनी बहू की विदाई बेटी की तरह अपने घर से की। आपको बता दें कि ससुर रवि शंकर ने अपने बहू के पिताजी और भाइयों से कहा था कि वह लड़के की तलाश करें, और रवि शंकर ने खुद जाकर भी देखा कि बहू जिस घर में जाएगी वह घर उसके योग्य है या फिर नहीं। बहू के रिश्ते के लिए कई जगहों पर रिश्ता देखा गया, कई जगह बात हुई, परंतु लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर रिश्ता पक्का नहीं हो पाया। आखिर में रिश्ते की तलाश करते करते जबलपुर के पास पिपरिया निवासी राजेश सोनी के साथ उसकी शादी करने का फैसला लिया। रवि शंकर सोनी जी का ऐसा कहना है कि उनके बेटे की जो कार थी वो बहू के नाम कर दी। जब उनके बेटे संजय सोनी की मृत्यु हुई थी तब उसके पश्चात बीमा से 3,76,000 रुपए मिले थे। वह सारा का सारा पैसा बहू के नाम जमा करा दिया गया। जो भी गहने जेवर थे वह भी बहू को दे दिए गए। बहू की दोनों बच्चियों के नाम FD भी करा दिया। ससुर रवि शंकर ने राजेश सोनी के साथ बहू का रिश्ता तय कर दिया। आपको बता दें कि राजेश सोनी का जबलपुर में ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट का कारोबार है। इनकी पत्नी का लगभग 3 वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राजेश सोनी की कोई भी संतान नहीं है। उनके परिवार में 2 भाई हैं।